सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी सिक्स क्लास हिंदी का पार्ट तीन अशोक की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये बहुत ही सुंदर एक कहानी है, उस कहानी के तीन दृश्य दिए हुए हैं, उन तीन दृश्यों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहला दृश्य हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक पाठ का कुछ मैं थोड़ा सा पाठ परिचय दे देता हूं। इसमें जो लेखक है उसमें ऐतिहासिक व्यक्ति का परिचय देते हुए सम्राट अशोक के माध्यम से विद्यार्थियों को हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाने की ओर प्रेरित किया है। बच्चों हिंसा का मार्ग है ना, यहां पर लिखा हुआ है हिंसा का मार्ग अपनाना, एक होता है अहिंसा मार्ग, है ना, अहिंसा का मार्ग। हिंसा का मतलब होता है जिसमें मार काट जो पहले राजा लोग करते थे उसको हम क्या बोलेंगे, हिंसा। और अहिंसा का मतलब हिंसा का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलना, एक सही रास्ते पे चलना। और अहिंसा का मतलब होता है सच्चाई पर न चल के असच्चाई पे असत्य की मार्ग अपनाना और आगे बढ़ना। तो आज हम इसके अंदर जो सम्राट अशोक जो बोलते हैं ना हमने, सम्राट अशोक मगध के राजा, तो अशोक जो थे वो कहां के राजा थे, मगध के। तो मगध राज्य जो है ये कहां का, ये 16 जो पहले महाजनपद होते थे प्राचीन काल में, 16 महाजनपद थे, उसमें से ये एक जनपद है जिसको कहते हैं मगध। और मगध जो है आज वर्तमान में जो बिहार राज्य है वहां पर दक्षिण छोर में ये है। अब हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं कलिंग, हम दो देशों का दो राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, पहला तो मगध है, अब है कलिंग। कलिंग जो है वह उड़ीसा के अंदर है, कहां पर है, उड़ीसा में। वहां का एक राजा था जिसका नाम था अनंतनाथन। क्या नाम था, आपके पाठ के अंदर नहीं आया है लेकिन हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, अनंतनाथन। अब पहले दृश्य में हम क्या देखेंगे कि जब अशोक की प्रतिज्ञा, इसका मतलब ये हुआ कि अशोक ने क्या प्रतिज्ञा की, और ये पाठ जो है हमको क्या बता रहा है, अशोक जो सम्राट राजा थे उनके माध्यम से, है ना, वो आज के विद्यार्थियों को सत्य के मार्ग पर मतलब हिंसा के मार्ग को अपनाने को लिए हमें ये पाठ समझाया जा रहा है कि हमें हमेशा सच्चाई की ओर और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, ठीक है। तो आइए, तो ये किस तरह से है, तो पहला दृश्य हम इस पाठ का पढ़ते हैं। देखिए एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। बच्चों शिविर यहाँ पर लिखा हुआ है शिविर, ठीक है, तो शिविर का मतलब होता है जो कैंप होते हैं ना, आपने कैंप देखा होगा जो टेंट में लगे हुए रहते हैं किसी स्थान पर अलग अलग, है ना, ये जो है ये शिविर बोलते हैं, जहां पर सैनिक लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, किस लिए, युद्ध के लिए, ये युद्ध के लिए, युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने एक शिविर बनाया हुआ है, वहां पर वो विश्राम कर रहे हैं, वहां पर बैठे हैं। बीच में मगध की पताका लहरा रही है, जो मगध राज्य था, ठीक है, बीच में जो मगध राज्य था वहां पर एक पताका लहरा रही है, मतलब एक झंडा जो है उनका मगध राज्य का वो लगा हुआ है, मगध राज्य की पताका, मगध का पताका लहरा रहा है, मतलब झंडा जो है वो लहरा रहा है वहां पर बीच में, कहीं पर वो शिविर युद्ध के लिए जा रहे होंगे, वहां पर शिविर लगा हुआ है, वहां पर विजय पताका या मगध का पताका लहरा रहा है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर लगा हुआ है, और ये शिविर है अशोक का, ये सैनिक लोग हैं, यहाँ पर किसका है, सम्राट अशोक का शिविर लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, संध्या बीत चुकी थी, रात्रि में शिविर लगते हैं हमेशा, तो रात को ये सैनिक लोग सब जो है वो देख रेख कर रहे थे, शिविर अशोक का भी था, वहां पर भी देख रेख चल रहा था। अब जो है संध्या हो चुकी थी, शाम ढल गई थी, आकाश में तारे चमकने लगे थे, शिविरों में दीपक जल गए, शिविरों में क्या, अब अंधेरा था तो अंधेरों में उन्होंने प्रकाशमान करने के लिए दिए लगा दिए। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे थे, जो ये अशोक था सम्राट अशोक राजा थे वो इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, टहल का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूम रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी,
चिंता की छाया, चिंता का मतलब होता है परेशान। तो उनका मुंह जो है वो ऐसा लग रहा था कि वह किसी परेशानी में है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं, वो कुछ सोचते हैं और इन शिविर के अंदर जो आसन होता है वहां पर ये बैठ जाते हैं। अब अशोक वो स्वयं, इसके बारे में देखिए, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। अशोक जो चिंता में बैठे हो वो क्या सोच रहे हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध हो रहा है? कलिंग का युद्ध। कलिंग क्योंकि ये मगध राज्य के राजा थे अशोक, ये जो है कलिंग पर अपना विजय पताका लहराना चाहते थे, अब इनका अधिकार करना चाहते थे कलिंग पर, ठीक है। किंतु कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका, वो ये सोच रहे थे कि 4 साल से युद्ध हो रहा है, कलिंग को जो है अभी तक हम जीत नहीं सके, 4 साल हो चुके, दोनों और लाखों आदमी मारे गए हैं, यहां से भी सेना के लाखों लोग मर गए हैं और यहां की सेना में भी लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग घायल हो गए, पर आज भी हम असफल है, क्या परिणाम होगा। मतलब यही सोच रहे थे बैठे बैठे कि लाखों लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, है ना, इस तरफ भी मर रहे हैं, इस तरफ भी मर रहे हैं, अब आगे परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा, बस यही अपने शिविर में बैठे बैठे विचार कर रहे थे। उनके पास द्वारपाल आता है, द्वारपाल का मतलब जो शिविर है उसके पास पे एक इंसान सैनिक खड़ा होता है जिसको बोलते हैं द्वारपाल, जो द्वार पे इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो वो सिर झुकाकर कहता है कि राजन संवाददाता आया है। संवाददाता का मतलब बोल सकते हैं गुप्तचर आया हुआ है, ठीक है। वो अशोक को कहते हैं सिर झुकाकर के, हे राजा संवाददाता आया है। तो अशोक कहते हैं, सम्राट अशोक कहते हैं उसे आने दो। फिर संवाददाता प्रवेश करता है उनके शिविर में और कहते हैं महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, कोई अच्छा समाचार है। संवाददाता मतलब होता है जो समाचार लाता है ना दूसरी जगह से, वो तो बहुत ही अच्छा ये समाचार है, गुप्तचर समाचार लाया है। गुप्तचर संवाददाता क्या कहता है कि गुप्तचर हमारा जो है वो समाचार लाया कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, जो अनंत नाथन था वह जो है युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो गए, मर गए हैं। तो जो अशोक होते तो बड़े खुश हो जाते, अरे वाह मारे गए, तो मगध की विजय हुई, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग क्या हो गए, जीत गए और कलिंग पर हमने अपना पताका लहरा दिया है। संवाददाता चुप हो जाता है, जो समाचार लेके आता है ना और ऐसा बोलता है कि वो मर गए हैं राजा वहां के, तो वो बड़े चुप हो जाते हैं। जब अशोक उनके पूछते हैं अरे वाह हम तो जीत गए, तो चुप हो जाएंगे, मुंह नीचा करके बैठ जाते हैं। अशोक बोलते बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों? संवाददाता कहता है धीरे से, बोलू क्या महाराज, क्या बोलू महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, लेकिन जो कलिंग का जो एक महल था है ना, ये जो कलिंग का बहुत ही शानदार, उसके दरवाजे अभी भी बंद है। कहने का मतलब है राजा जो युद्ध में लड़ता वो मारा गया, लेकिन अभी भी हमारे सैनिक लोग अंदर महल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। अशोक तो कह, सम्राट अशोक ने तो कह दिया कि हमने कलिंग युद्ध जीत लिया, क्योंकि जब उनको समाचार मिला संवाददाता के माध्यम से कि वहां के राजा मारे गए, लेकिन अभी भी फाटक बंद है। अशोक कहते हैं उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े हो जाते हैं, बैठे हुए थे, उत्तेजित होकर मतलब जल्दी से खड़े हो जाते हैं, और बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। तो सेना का संचालन मतलब राजा जो है सम्राट अशोक आगे चलेंगे और सेना पीछे पीछे उनके जाएगी, कहां पर, कलिंग पर, ठीक है, कलिंग का जो महल होता है बहुत बड़ा वहां पर। और क्या कहते हैं, कल या तो कलिंग के फाटक खुल जाएंगे या फिर मगध की सेना वापस चली जाएगी, जाओ हाथ से जाने का संकेत करते हैं। तो ये था पहला दृश्य है, जिसमें क्या होता है कि जो शिविर लगे हुए होते हैं वहां पर अशोक सम्राट जो है बैठे होते हैं, संवाददाता के द्वारा उन्हें समाचार मिलता है कि वहां के कलिंग के राजा मर गए हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। परंतु संवाददाता मुंह से झुकाए हुए रहता है, कहता है कि अभी भी हमने महल के फाटक के अंदर प्रवेश नहीं किया। तब उत्तेजित हो जाते हैं और अशोक सम्राट जो है वो ये कहते हैं कि जाओ अगले दिन जो है मैं खुद सेना का संचालन करूंगा। कहने का मतलब क्या, अब खुद अशोक सम्राट जो है कलिंग की ओर
जाएंगे और वहां पर फाटक खोलकर अपना राज्य और उसका अधिकार अपना अधिकार में कलिंग को कर देंगे और जो मगध का जो झंडा है वो फेरा देंगे। तो ये था बच्चों पहला दृश्य जिसमें हमने पढ़ा कि मगध क्या है, कलिंग क्या है और मगध के राजा कौन है, अनंतनाग कौन है, कलिंग के राजा कौन है, अभी तक फाटक नहीं खुला है। तो ये आज हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो पढ़ा। धन्यवाद।